नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आई एस भाई टेस्ट बुक में कैसे हैं आप सभी अरे भाई एक मिनट एड आ गया <laughs> तो बढ़िया तो देखिए भाई मुझे मालूम है आप क्या पूछने वाले हैं आप क्या कहने वाले हैं मुझे मालूम है आवाज तो क्लियर है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किटू रानी निर्मुलकर हमा खानी कुनाल, पीर दादा अहमद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मनीष जी तो आप पूछेंगे सर आप कल नहीं आए तो आज हम आपसे बात नहीं करेगा आप कल आए नहीं मैं आया था मैंने स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था आप लोगों के साथ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कोई आ क्यों नहीं रहा हाँ अकेले मोनोलॉग प्रवचन भी देना शुरू कर दिया था मैंने आते ही और थोड़ी देर बाद देखा कोई जवाब नहीं आ रहा हम्म कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ तो जरा ध्यान दिया तो देखा बस वन जॉइंट मैंने कहा ये कौन है मेरा एकमात्र स्टूडेंट तो देखा तो देखा कि मैं ही हूँ वो <laughs> मतलब कोई नहीं ज्वाइन तो फिर मैंने पूछा भाई क्या हो गया कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया तो यानी क्लास बैक एंड पे चला था हुआ यूँ फिर मैंने पूछा अपने टेक टीम से कि क्या समस्या हो रही है तो उन्होंने कहा कि सर आपका क्लास ऐप आप पर रिफ़्लेक्ट ही नहीं कर रहा आप जो बोल रहे हैं ये बैक एंड पे तो दिख रहा है लेकिन फ्रंट एंड पे ऐप पे नहीं आ रहा तो बच्चों तक आपके क्लास की लिंक ही नहीं है तो इसलिए ये क्लास आपकी हो नहीं पा रही कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं तो ये समस्या थी करीबन करीब कल पंद्रह मिनट तक क्लास चली है मैंने अकेले चलाया है ख़ुद को पढ़ाया है पंद्रह मिनट <laughs> तो ये समस्या हुई थी तो अब ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है क्या करें अब मजबूरी है <laughs> तो ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन आज मैंने बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी है आज के बाद मुझे ये चीज़ नहीं चलेगा दो बार हो गया बैक टू बैक क्लास तैयार है बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और क्लास नहीं हो रहा तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया है अब हंसी मजाक हो गया अब मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एल एक्सेप्ट तो अब ये नहीं होगा आप निश्चिंत रहिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राज अंजलि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हाँ हाँ आज होगी आज होगी आज बिल्कुल होगी आज निश्चिंत रहिए बिल्कुल होगी है ना कोई समस्या नहीं होगी तो चलिए क्लियर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पी मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके लिए स्पेशल नाइन्थ एनिवर्सरी सेल नौ साल बेमिसाल टेक्सट बुक के नौ साल हो गए हैं तो इसी खुशी में आपके लिए हम सेल लेकर के आए हैं आपको एक साल नहीं एक साल चार महीना यानी सोलह महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये में यानी कि फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ़ प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्लस थर्टी थ्री परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है तब जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फाइव परसेंट एडिशनल डिस्काउंट इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और किसी कूपन कोड से नहीं मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन की कीमत पर आपको जीएस कोर्स ऑप्शनल कोर्स सब्जेक्ट कोर्स के कोर्सेज मिलते हैं सुपर टीचर्स के कोर्सेज मिलते हैं ये सब कुछ मिलता है केवल तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में एंड जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसके सिंह मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस मैं उसको सस्टेनेबली रन कर पाता हूँ आप लोगों के वजह से जब आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए डेली लाइव क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं आप जानते ही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुने पार्टी देना होगा तब हम मानेगा <laughs> आ जाइए यहाँ पे जरूर पार्टी दूंगा आपको मैं नए नौ साल हुए हैं हमारे जरूर पार्टी मिलेगी चलिए तो आज पहले थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं उसके बाद एज यूजल क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद किसका फ़ोन आ गया <coughs> एक मिनट हाँ पार्टी सुनते ही बहुत लोगों का फ़ोन आने लग गया भाई हैं सर पार्टी हमें भी दो <laughs> ठीक है तो सुनिए भैया ओशन डीप या ट्रेंचेस तो पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे फिर सवाल करेंगे है ना सवाल करेंगे उसके बाद चलिए तो ट्रेंचेस क्या है देखिए सिंपल सिंपल शब्दों में सब कुछ समझते जाते हैं ट्रेंचेस क्या है बेसिकली जब एक लिथोस्फेरिक प्लेट दूसरे लिथोस्फेरिक प्लेट से कन्वर्ज करता है टकराता है तो टकराने पे क्या होता है कुछ इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो ऐसे जब कन्वर्ज करता है है ना इस प्रकार से कन्वर्ज करता है कन्वर्ज करने पे आप अगर देखोगे तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे ये जो गड्ढा बनेगा इसी को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं ट्रेंचेस इसी को हम कहते हैं ट्रेंचेस ये क्या है साइडेड नैरो बेसिन है गड्ढे हैं जो कि आप अगर देखो तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं या तो ओशन ओशन प्लेट टकराए या ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए तो हमको इस प्रकार से गड्ढे जिनको हम कहते हैं ट्रेंचेज देखने मिलते हैं वैसे ही जब डाइवर्जेंट प्लेट होता है यानी कि आप अगर देखो तो प्लेट्स एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से सेपरेट करते हैं दूर दूर जाते हैं जहाँ पर इस प्रकार से तो जहाँ पे जितनी लंबाई में ये सेपरेट आउट कर रहे हैं इस प्रकार से उस लंबाई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्मा निकल के ऐसे करीबन करीब ढाई किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला ऐसा पहाड़ बना देता है लेकिन इसका बीच में क्या होता है डिप्रेशन होता है गड्ढा होता है और इस प्रकार से आपको देखने मिलता है मिड ओश्निक रिजेज दुनिया के सारे के सारे मिड ओश्निक रिजेज अगर आप देखो तो एक साथ जुड़े हुए हैं एक साथ जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से और ये सब मिलके दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बनाते हैं माउंटेन सिस्टम है पचहत्तर हजार किलोमीटर से ज़्यादा इनकी लंबाई है और ये सारे ओशंस में जो मिड ओशनिक रिजेज हैं, वो जुड़ के बनता है ठीक है आ, आगे, क्या आगे बोल रहे हैं सुबह क्लास शो हो रहा था पर बाद में नहीं हुआ अच्छा ओके चलिए तो इसके बाद सुनते हैं इसके बाद सुनते हैं आगे की कहानी सुनते हैं ये रिजेज अगर आप देखें तो इसकी बात करते हैं बिसल हिल्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं तो सी माउंट आपको कल ही बताया था सी माउंट होता है तो बेसिकली इसमें क्या है कि जहां पर आप अगर देखें तो वॉल्निज्म हो रही है लेकिन ये वॉल्केनिज्म थोड़ी अलग प्रकार की है यहां पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि अर्थ का ये क्रस्ट कोर मेंटल है ना ये क्रस्ट है ये वाला भाग मेंटल है और ये आउटर उटर इसी को ऐसे कर देते ना क्रस्ट ऊपर का भाग ये मेंटल कर देते हैं इतना कोर कर देते हैं क्रस्ट तो क्या एक पपड़ी के समान है तो ये कोर मेंटल बाउंड्री से कुछ इस प्रकार से आप देखिए तो हीट रिलीज होती है और जो कि ऊपर के लिथोस्फेरिक प्लेट्स को पिघलाती है इस प्रकार के वॉल्केजम को क्या कहते हैं इस प्रकार के वॉल्केज्म को क्या कहते हैं कोई बताएगा मुझे इस प्रकार के वॉलगेजम को क्या कहते हैं कौन सा वॉलगेनिज्म होता है ये जहां पे कोर मेंटल बाउंड्री से हीट निकल रही है और वो ऊपर के लिथोसफेयर को पिघला रही है कैसा वॉल्केनिज्म है ये नॉर्मल वॉल्निज्म नहीं है नॉर्मल में वाला जो मैग्मेटिक मटेरियल है वो ऊपर निकल रहा है लेकिन यहां पे वो नहीं हो रहा यहाँ पे मेंटल इंटरफेस कोर मेंटल बाउंड्री से हीट निकल रही है ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर में जाके लिथोसफेयर को फिर पिघला रही है जरा बताइए मैं बताऊं चलिए मैं बता देता हूं हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म ये क्या है हॉटस्पॉट है तो ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म है और उस हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की वजह से आप अगर देखें तो कई बार इस प्रकार के आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं और ये वॉल्केनिक माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं सी माउंट्स ये बनते हुए दिखते हैं जाहिर सी बात है प्लेट मूव कर रहा है तो सी माउंट्स भी लंबाई में बनते हुए दिखेंगे इस प्रकार से और ये सी माउंट्स अगर आप देखें तो साढ़े तीन साढ़े चार किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और कई बार तो ये पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं जैसे कि हवाई आईलैंड चेन हवाई आईलैंड चेन देखें तो इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो इस प्रकार से आप देख रहे हो तो हवाई आइलैंड चेन क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट ऐसे मूव कर गया है और ऊपर से हॉटस्पॉट वॉल्केजम चलती रही है तो इसलिए लंबाई में आपको ऐसे ही सी माउंट्स देखने मिलते हैं तो इसी में है सी माउंट चेन यहां पर जो आप देख रहे हो ये हवाई आइलैंड्स का ही एक्सटेंशन है और जाके ये किससे मिलता है आगे चल के देखोगे तो एलुशियन ट्रेंच वाले इलाके में यहां पर जाके ये प्लेट से कुछ मिलता हुआ आपको दिखेगा सी माउंट ही जब फ्लैट टॉप्ड हो जाए इरोजन से तो इसको क्या कहते हैं गयोट्स कहते हैं है, है कि नहीं इसी को कहते हैं गयोट्स ठीक है फिर है सबमरीन कैनियन सबमरीन कैनियन अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप दोनों में ही देखने मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी और स्लोप में भी दोनों में आपको देखने मिलता है यहां पे सबमरीन कैनियन होता क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्लोप में जो मटेरियल इस प्रकार से ऐसे गिर रहा है ना जो मटेरियल आप अगर देखोगे इस प्रकार से फॉल कर रहा है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर समुद्र में अंदर में ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये और दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप तो स्लोप में जाहिर सी बात है जो भी लूज सेडिमेंट्स हैं वो क्या करेगा ऐसे फॉल करेगा गिरेगा है ना जैसे जमीन पे आप मास वेस्टिंग लैंडस्लाइड देखते हैं वैसे ही समुद्र में भी मास वेस्टिंग लैंडस्लाइड होगा तो यहां से जब मटेरियल गिरेगा तो ये मटेरियल क्या करेगा कुछ इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो क्या कर देगा ऐसे ऐसे जब गिरेगा तो सरफेस पे स्लोप पे जो मटेरियल इसको खखोरता हुआ नोचता हुआ गिरेगा और इस प्रकार से सबमरीन कैनियन बन जाएगा अक्सर सबमरीन कैनियन नदी के माउथ पर कई बार देखने मिलता है जैसे इंडस रिवर के माउथ पे सबमरीन कैनियन देखने मिलता है ये क्यों देखने मिलता है इसलिए देखने मिलता है क्योंकि इंडस रिवर के माउथ पर डिपोजिशन बहुत होता है खूब सेडिमेंट्स गिर रही हैं और यह सेडिमेंट्स फाइनली कॉन्टिनेंटल से, स्लोप की तरफ गिरेंगी और ज्यादा सेडिमेंट्स गिरेंगी तो ज्यादा गहरा कैनियन बनेगा सीधा फंडा है समझ आया ठीक है इसके बाद ओशन मूवमेंट्स की बात हो रही है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइड्स टाइड्स की अगर हम बात करें तो टाइड्स की जो कहानी है तो इसको जानिए क्या होता है तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल है सी लेवल का कहीं बार पे दो बार दिन में आता है तो कहीं पे एक बार आता है टाइड समझते हैं क्या होता है टाइड समझते हैं क्या होता है अगर आप समुद्र किनारे गए हैं तो आप देखते होंगे कि दिन में एक टाइम ऐसा होता है जब समुद्र मानो जैसे जमीन के पास आ गया हो और दिन में एक टाइम ऐसा भी आता है कई जगह पे दो बार होता है एक्चुअली एक बार कहना गलत होगा कहीं पे एक बार कहीं पे दो बार दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब मानो समुद्र लगता है बिल्कुल पीछे चला गया हो याद है सभी को देखा है मतलब तो इसी को कहते हैं टाइड तो समुद्र की जो पानी का जो लेवल है ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर कभी दिन में बढ़ रहा है तो कहीं पर कभी घट रहा है इसी को कहते हैं टाइड मान लो ऐसे अपना जमीन है और इसमें ये नॉर्मल सी लेवल है ये नॉर्मल सी लेवल है तो सडनली नहीं होता सत्यदेव सडनली नहीं होता मतलब थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा टाइम लगता है कुछ घंटों में होता है और फिर दिन में कुछ समय में ऐसा लगेगा मानो जैसे एक टाइम में देखोगे तो पानी देखोगे ऐसे ऊपर आ गया इसको क्या कहेंगे हाई टाइड लेवल और उसी इलाके में देखोगे दिन में एक टाइम ऐसा आएगा जिसको कहेंगे लो टाइड लेवल यानी वो जमीन जो कभी पानी से ढकी हुई थी अचानक से एक्सपोज हो जाएगी गीली गीली मिट्टी आपको देखने मिलेगी तो इसी को क्या कहते हैं टाइड कहते हैं तो अब टाइड क्यों बनता है ये अपने आप में अगर आप देखोगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आपको जो थ्योरी बताई जाएगी वो थ्योरी बहुत सही नहीं है मतलब वो आधा सत्य है लेकिन आपको तो एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो आपके लिए वो आधा सत्य काफी काम आएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत मेहनत बची है ठीक है तो आपको मैं वही बताऊंगा जो आपको जीएस के परिपेक्ष में जानने की आवश्यकता है कि टाइड्स क्यों बनते हैं देखिए भैया सबसे पहले टाइड्स बनते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है सन से भी मून से भी सन और मून दोनों मिलके अगर आप देखें तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं और उसी का प्रभाव होता है जिस वजह से आपको देखने मिलता है टाइड तो अभी सन को भूल जाते हैं अभी इक्वेशन में अभी इक्वेशन में बस बस मून देखते हैं एक बार झूठ है, नहीं नहीं, तो है, तो है ये आधा सत्य है इसके सिवा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है टाइड्स आज के टाइम में एक लोकलाइज फिनोमिना माना जाता है जस्ट लाइक सीशेस है ना एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है पानी का ऊपर नीचे जाना क्योंकि लोकलाइज्ड है फिनमिना है जिसमें पानी के लोकल डेप्थ का बेसन का बेसन टू बेसन अलग अलग टाइम में टाइड होता है इसीलिए तो बेसन के आकार पर निर्भर करता है वो सब तो आपके लिए वो काम का नहीं है आपके लिए अभी जो बता रहा हूं वही काम का है ठीक है तो अब सुनिए अब सुनिए तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पृथ्वी में सन है ही पृथ्वी के सन खींचता ही नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में सोलर यानी सन ही नहीं है बस अर्थ और मून एक सिस्टम है तो अब मून क्या करेगा अर्थ को अपनी ओर खींचेगा बिल्कुल खींचेगा अगर मून अर्थ को अपनी ओर खींचेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा तो उस दौरान अगर आप देखोगे तो इस भाग में जो पानी है अब देखिए अब देखिए मुझे जल्दी से गूगल अर्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा इमेज तो दिखाना पड़ेगा ये जरा देखिए <coughs> क्लाउड्स नहीं चाहिए मुझे ग्रेड लाइंस चाहिए मुझे चलिए तो ये क्या है भैया ये क्या है ये है हमारी पृथ्वी ठीक है मान लेते हैं आप जो इस वक्त देख रहे हैं है ना आप इस वक्त जो देख रहे हैं इस पॉइंट ये जो पॉइंट है जहां पे मेरा कर्सर है इस वक्त इसको देखिए ये इक्वेटर भी गुजर रहा है प्राइम मेरिडियन भी घुस रहा है गुजर रहा है यहां से यानी ये क्या है जीरो डिग्री जीरो डिग्री है कि नहीं दिस पॉइंट इज जीरो डिग्री जीरो डिग्री सही बात है अब मान लीजिए ये लॉन्जिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा लॉन्जिट्यूड है जीरो डिग्री सही बात है ये जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड है इसके ठीक उल्टा कौन सा लॉन्जिट्यूड होगा यहाँ पे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा कुछ वन एट्टी डिग्री वाला है ना वन एट्टी डिग्री वाला इसके ठीक एंटी मेरिडियन जिसको कहा जाता है मेरिडियन के ठीक उल्टा तो मेरिडियन के ठीक उल्टा एंटी मेरिडियन मेरिडियन हो गया जीरो डिग्री पे एंटी मेरिडियन वन एट्टी डिग्री पे इतनी कहानी तो हम सब जानते ही हैं ठीक है, है? चलिए तो अब जरा देखिए ये जो मेरिडियन है मान लेते हैं अर्थ क्या कर रहा है अपने एक्सिस पे है मून क्या कर रहा है अर्थ के चारों तरफ घूमता है अर्थ भी क्या करता है रोटेट करता रहता है चौबीस घंटे में तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि अर्थ का जो कि मून को डायरेक्टली फेस कर रहा होगा ना एक है ना दोनों तो सोचो एक पॉइंट ऐसा होगा का जो कि एक दूसरे को डायरेक्टली फेस करेगा और वो क्लोजेस्ट होगा यही कहना चाह रहा हूं ना मैं मान लो इस वक्त इस टाइम पे मून जो है वो इसी मेरिडियन के ऊपर स्थित है इसी मेरिडियन वाले लॉन्जिट्यूड के ऊपर स्थित है तो जो मेरिडियन ज्योग्राफी हार्ड लगता है कितना सिंपल है यार क्या बात कर रहे हो चलो अब मैं लिख के ही दिखाता हूँ थोड़ा ये जो लॉन्जिट्यूड है ना ये वाला ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है ये है मान लेते हैं जो आपको दिखाया मैंने दिस इज जीरो डिग्री ठीक है और यहीं पर मून भी बेस्ड है बेस्ड है यानी कि मून इस वक्त जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड के ठीक ऊपर है ठीक ऊपर है समझ आया मून कहाँ पे ठीक जीरो डिग्री के ऊपर है थोड़ी देर बाद अर्थ रोटेट करेगा तो हो सकता है अब क्या आ जाए मून किसके ऊपर आ जाएगा टेन डिग्री वाले आप देखोगे लैटिट्यूड पर टेन डिग्री वेस्ट पर लॉन्जिट्यूड पर और अर्थ रोटेट करेगा ट्वेंटी डिग्री के ऊपर आ जाएगा और रोटेट करेगा थर्टी डिग्री को फेस करेगा ऐसे ऐसे करता जाएगा करता जाएगा मून अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप अगर देखोगे तो लॉन्जिट्यूड के ठीक ऊपर आएगा मानते हो सब कोई इतना तो मानते हो ना मानते हो कि नहीं मानते हो यहां तक सबको समझ आया दिख रहा है तो जाहिर सी बात है जिस लॉन्जिट्यूड के ऊपर मून होगा वहां को मून उस भाग को पृथ्वी का मून ज्यादा खींचेगा तो उस इलाके का जो पानी होगा वो भी क्या होगा मून के तरफ खिंचा चला जाएगा सही बात है तो यहां पे अर्थ का जो पानी है वो क्या हो जाएगा मून वाले भाग में ऐसे बल्ज कर जाएगा यानी कि क्या होगा कि अगर फिर से दिखाता हूं अगर इस लॉन्जिट्यूड के ऊपर मून है जो मैंने लाइन से बनाया तो अर्थ का सारा का सारा पानी क्या होगा इस तरफ खींचा चला जाएगा ना ऐसे खींचा चला जाएगा ना यहाँ पर जाके क्या करना चाहेगा बल जब करना चाहेगा जमा होना चाहेगा है? है ना कुछ इसके ऊपर ऐसे यहां पे जमने लगेगा सारा पानी चाहेगा यहाँ पर जमना क्योंकि मून खींच रहा है मून खींच रहा है यानी कि यहां का पानी सारा का सारा बल्ज करने लगेगा यानी कि यहां पे समुद्र पे पानी का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाएगा मानते हो तो क्या देखने मिलेगा टाइड की लोटाइड क्या देखने मिलेगा क्या देखने मिलेगा क्या देखने मिलेगा हाँ भैया मून की ग्रेविटी ही तो है मून की ग्रेविटी ही तो है जो इसको खींच रही है और कुछ थोड़ी ना इक्वेशन में अभी डाला है हमने अभी हमारा इक्वेशन बड़ा सिंपल है अर्थ और, तो और मून का सिस्टम है हाई टाइड बहुत बढ़िया तो इस पॉइंट पे यानी कि इस लॉन्जिट्यूड पर इस वक्त हमको देखने मिलेगा हाई टाइड ये क्या है हाई टाइड लेकिन रियलिटी तो ये है हाई टाइड इस लॉन्जिट्यूड पे भी देखने मिलेगा और इसके ठीक उल्टा 180 डिग्री पीछे वाला लॉन्जिट्यूड यानी अगर जैसा हमारा एग्जाम्पल था मेरिडियन पे जैसा हमारा एग्जाम्पल था कि अगर मून मेरिडियन पे है यानी जीरो डिग्री पे है तो जीरो डिग्री पे इस वक्त हाई टाइड आएगा इस लॉन्जिट्यूड में जितने भी शहर हैं वो सभी हाई टाइड एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन सिर्फ मेरिडियन यानी जीरो डिग्री वाले नहीं 180 डिग्री वाले भी 180 डिग्री वाले भी यानी कि ये एंटी मेरिडियन पे भी पानी बल्ज करता है इस लॉन्डिट्यूड पे भी देखोगे सेम टाइम पे पानी बल्ज करेगा ये समझ आया क्यों होगा वो मैं समझाऊंगा पर ये समझ आया मेरिडियन एंटी मेरिडियन में एक साथ हाई टाइड आएगा तो एक साथ लो टाइड आएगा पानी एक साथ मेरिडियन में भी जमेगा एंटी मेरिडियन यानी 180 डिग्री पे भी जमेगा यह समझ आया विजुअलाइज हुआ पहले क्या कहना चाह रहा हूं अब देखो क्यों अब देखो क्यों क्योंकि एक अब देखिए इसके लिए अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है मैं आपको दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको जो तरीका पसंद है आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा कोई पूछे क्यों बिकॉज ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स ठीक है अब सुनिए अब सुनिए हो यूं रहा है कि जब मून खींच रहा है पानी को या फिर अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है तो अर्थ कुछ मून के तरफ जा चला जाएगा लेकिन यहां का जो पानी है उस पर तो मून की ग्रेविटी कम लग रही क्योंकि वो तो दूसरे वाले साइड में है जो कि मून से अर्थ के डायमीटर जितना एक्स्ट्रा दूर है है ना? तो वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रही है तो वो पानी तो वही का वही टिका रहेगा पर अर्थ अगर खिंच जाएगा तो क्या पानी नेचुरली इतने भाग का यहां पर जम जाएगा ऐसे क्योंकि अर्थ खिंचा गया ना उस तरफ पानी वही का वही है तो पानी उस तरफ बल्ज कर जाएगा दूसरे तरफ में अर्थ खिंचा गया उसका पानी पे फोर्स नहीं लग रहा तो पानी वहां पर जाके जम जाएगा तो इसलिए टाइड अगर आप देखो तो जो मून को फेस कर रहा है यानी उसको कहते पोडल साइड पोडल साइड और जो मून के ठीक उल्टा है उसको कहते हैं एंटीपोडल साइड दोनों में एक साथ आता है क्लैरिटी है ये एक एक्सप्लेनेशन समझ आया ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो अब मैं आपको देता हूं थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला एक्सप्लेनेशन अर्थ क्या है एक रोटेटिंग बॉडी है जो कि अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को अर्थ सर वाई जीरो डिग्री मेरिडियन इज नेसेसरी फॉर हाईटाइट ना ना आज जरूरी थोड़ी हो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मून इज एट जीरो डिग्री मून इज एट जीरो डिग्री तो इसीलिए जीरो डिग्री पे हाई टाइड आ रहा है मून तो क्या है अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा अलग अलग जगह पे हाई टाइड आता जाएगा जो भी लॉन्जिट्यूड अर्थ को डायरेक्टली फेस करेगा उस पर और उसके एंटीपोडल साइड हाई टाइड आएगा जीरो डिग्री तो बस एक एग्जाम्पल है क्योंकि मेरिडियन एंटी मेरिडियन आपको समझना आसान है आओ थोड़ा मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं इस वक्त ये कौन सा लॉन्जिट्यूड है हंड्रेड डिग्री वेस्ट है हंड्रेड डिग्री वेस्ट है मान लो मून इस वक्त हंड्रेड डिग्री वेस्ट लॉन्जीट्यूड के ठीक ऊपर है अगर हंड्रेड डिग्री वेस्ट लॉन्जीट्यूड के ठीक ऊपर है तो हंड्रेड डिग्री वेस्ट पे तो हाईटाइड आएगा ही आएगा लेकिन आप अगर देखोगे तो इधर पे इसका ठीक एंटीपोर्डल साइड जो है इसका ठीक एंटीपोर्डल साइड जो है ये हंड्रेड डिग्री वेस्ट है इसका एंटीपोडल साइड देखो कौन सा है ये हंड्रेड डिग्री वेस्ट हंड्रेड डिग्री वेस्ट 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 ये जो लाइन बनी नाइन एट्टी डिग्री ईस्ट की ये कौन सी लाइन है एट्टी डिग्री ईस्ट की इस पर भी क्या होगा उसी टाइम पे आपको हाई टाइड देखने मिलेगा जब हंड्रेड डिग्री वेस्ट पे टाइड आ रहा होगा समझ आया समझ आया या और सिम्प्लीफाई करूँ अगर देखो आपको और डेप्थ में समझना है ना तो मेरी क्लास देखनी होगी जो मैंने तीन चार घंटे में टाइट समझाए हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास उतना टाइम इस वक्त है नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में समझा पर मुझे मालूम है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है बाकी अगर आपको डेप्थ में समझना है तो मेरी क्लास देखनी होगी आप लोगों को हाँ तो ये तो आप समझ गए तो हाई टाइड कहाँ आता है जो मून को डायरेक्टली फेस कर रहा है पोडल साइड भी और एंटी पोडल साइड भी ठीक है तो दोनों साइड हाई टाइड आता है बहुत बढ़िया बात है लो टाइड कहाँ पे आएगा यहां का पानी इधर जा रहा है यहां का पानी इस लॉन्जिट्यूड पे जा रहा है जो बीच का पानी है वहां का पानी क्या होगा समुद्र की लहरों में यहां का पानी कम हो जाएगा यहां का पानी ही तो ट्रांसफर हो रहा है यही का पानी तो हर जगह जा रहा है तो यहां पे क्या फेस होगा लोटाइड वैसे ही इसके भी एंटीपोडल साइड याने उल्टे साइड क्या होगा दूसरे तरफ देखोगे वहां भी लोटाइड आएगा क्योंकि उधर का भी तो पानी, वैसे ही दो दिशाओं में बट रहा है ना तो इसीलिए बीच वाले इलाके इस लॉन्जिट्यूड पे क्या आएगा उस वक्त लो टाइड आएगा उसके एंटीपोडल साइड भी लो टाइड आएगा यानी कि यानी कि वापस चलते हैं सिंपली सिंपल वाले एग्जाम्पल पे मान लो मून इस वक्त अपने प्राइम मेरिडियन पे है यानी कि जीरो डिग्री पे है कुछ इस प्रकार से ठीक है अगर मून जीरो डिग्री पे है तो जीरो डिग्री पे हाई टाइड वन एट्टी डिग्री पे हाई टाइड ये तो हम समझ गए लेकिन नाइन्टी डिग्री ईस्ट यानी भारत के कुछ इलाकों में बांग्लादेश वाले समुद्र में और इस पूरे के पूरे नाइन्टी डिग्री ईस्ट में क्या आएगा उस वक्त लो टाइड वैसे ही 90 डिग्री वेस्ट में भी क्योंकि तो जीरो डिग्री है रहा ना इसका भी इधर चले जाओगे तो क्या आएगा 90 डिग्री वेस्ट यानी कि इन इलाकों में क्या आएगा क्या आएगा यहां पे यूएस से लेके ये सेंट्रल अमेरिका से लेके इन इलाकों में आपको लो टाइड देखने मिलेगा सेम टाइम पर क्लियर है क्लियर है अब ये क्या था ये तो सिंपल इक्वेशन था कहानी में सिर्फ अर्थ और मून था रियलिटी में तो क्या होता है दोस्तों अर्थ भी है मून भी है सन भी है अर्थ भी है मून भी है सन भी है तो अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो अब तीनों मिलके क्या करते हैं प्रभाव डालते हैं ठीक है यह सेम लाइन है जब सन अर्थ मून सेम लाइन पे आ जाए तो इसको क्या कहते हैं कौन सा पोजीशन है सिजगी पोजीशन सिजगी पोजीशन और जब सन अर्थ मून 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना लें इसको क्या कहेंगे क्वाडरेचर क्वाडरेचर क्यों क्वाडरेचर कहेंगे भैया क्योंकि मून अगर आप देखोगे तो सन की लाइट अर्थ को अगर आप देखोगे तो इतने भाग में इतने भाग में जो इस वक्त अगर आप देखोगे इस मून को देखोगे तो इतने भाग में क्या होगा सन की लाइट पहुंच रही है अर्थ को तो खाली इतना ही हिस्सा दिख रहा है उसमें से अर्थ यहां से लोग जब मून को देख रहे हैं तो इतना ही हिस्सा देख पाएंगे ना तो मून कितना दिखेगा वन फोर्थ दिखेगा इसीलिए क्या कहते हैं इसको क्वाड्रेटर क्या कहते हैं क्वाड्रेटर वैसे यहां भी देखोगे तो यहां पे इतने भाग में क्या है इतने भाग में मून सन की लाइट आ रही है तो हमको लाइट पड़ रहा है तो हमको ये इतना भाग दिख रहा है लेकिन अर्थ से देखोगे तो इतना ही क्वाड दिखेगा वन फोर्थ दिखेगा इसीलिए इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेचर इसको क्या कहते हैं तिजगी अब देखिए जब सन अर्थ मून सिजगी पोजिशन बनाएंगे तो क्या होगा कितना टाइम है भैया चलो जब सन अर्थ मून सिज़गी पोजिशन बनाएंगे तो क्या होगा जरा अर्थ के पानी के बारे में सोचो मान लेते हैं इस वक्त मून कहां पे है एम वन पे है ठीक है ये पोजिशन लेके लेते हैं सन यहां मून यहां अर्थ यहां तो इस लॉन्जिट्यूड पे क्या होगा पोडल साइड जो है इधर का पानी खिंचाएगा ग्रेविटी ऑफ मून प्लस ग्रेविटी ऑफ सन से सही बात है ना जो नेट फोर्स लग रहा है इधर पे पानी को मून भी लग रहा है और सन भी लग रहा है और इस तरफ अगर हम देखें एंटीपोडल साइट अगर हम इसकी बात करें एंटीपोडल साइड एंटीपोडल साइड अगर आप देखोगे क्या लग रहा है इधर मून खींचा तो उसके दूसरे साइड क्या लगा सेंट्री फ्यूगल फोर्स मून और क्या खींचा सेंट्री फ्यूगल फोर्स धन क्लियर है क्लियर है किसी को डाउट है यानी कि टाइड कैसा बनेगा इस दौरान तो जब सिजगी का पोजीशन है तो टाइडल फोर्स आप अगर देखोगे मून और सन दोनों की एडअप हो जाएगी यानी टाइड कैसा बनेगा नॉर्मल से बहुत ज्यादा मजबूत वाला हाई टाइड बनेगा बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी जमेगा हाई टाइड होगा जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हाई टाइड मान लो अगर ये जीरो डिग्री है ये वन एट्टी डिग्री लॉन्जिट्यूड है और ये नाइन्टी डिग्री लॉन्जिट्यूड है तो जीरो डिग्री वन एट्टी डिग्री में बहुत ज्यादा पानी जमेगा बहुत ज्यादा हाई टाइड होगा तो नाइन्टी डिग्री में उतना ही ज्यादा पानी वहां का निकल जाएगा यानी उतना ही ज्यादा लो टाइड देखने मिलेगा क्लियर हुआ नो no क्लियर <laughs> और किसको क्लियर नहीं हुआ जिनको क्लियर नहीं हुआ क्या करेंगे देखो भैया चार घंटे की क्लास में आधे घंटे में समझा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है मेहनत कर लो चार घंटा दे दो टाइड्स पे है ना तो समझ अच्छे से आएगा आ गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत बढ़िया तो सिज़गी पोजिशन में क्या होता है हाई टाइड बहुत ज्यादा हाई होता है और जहां लो टाइड आना होता है वहां बहुत ज्यादा लो टाइड आता है ठीक है एम थ्री पोजिशन पे भी सेम कहानी होगी आओ देखते हैं सन अर्थ और एम थ्री पोजिशन है एम वन नहीं एम थ्री है तो अब देखो क्या होगा इसको मैं मिटा देता हूं इसको मैं मिटा देता हूं इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है खाली फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है तो अगर सन अर्थ और एम थ्री पोजिशन है कुछ इस प्रकार नहीं बाद में आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे ना ठीक है तो सन अर्थ और एम थ्री पोजिशन है ठीक है अच्छा सर नो मीन डाउट नहीं है क्लियर है चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो सन अर्थ और एम थ्री पोजिशन है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पर क्या लग रहा है इस तरफ पानी को कौन खींच रहा है ग्रेविटी ऑफ मून अगर इधर ग्रेविटी ऑफ मून लग रहा है तो इस तरफ का पानी को कौन खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मून सही बात है ठीक है इधर के पानी को कौन खींच रहा है सन के तरफ ग्रेविटी ऑफ सन अगर इधर ग्रेविटी ऑफ सन लग रहा है तो इस तरफ पानी को कौन खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन इस तरफ खींच रहा है तो इसका ठीक उल्टा कौन खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सन यानी कि इधर के पानी को भी और इस लॉन्जिट्यूड के पानी को भी सन और मून एक का ग्रेविटी एक का सेंट्रीफ्यूगल और उसी का काउंटर एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस ग्रेविटी मिलके खींच दे रहा है अब समझ आया एंटीपोडल साइड में कैसे बन गया एम थ्री वाले सिजगी में भी सेम कहानी दोहराएगी हाईटाइड यानी बहुत हाई टाइड यहां पे हाई टाइड आ रहा है वहां बहुत ज्यादा हाई जहां पे लो आ रहा है वहां पे बहुत ज्यादा लो समझ आया क्लैरिटी मिली कैसे हुआ तो M3 थ्री पोजिशन अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आता मैंने टीचर्स भी देखे हैं कुछ से कुछ बोल के चले जाते हैं है ना अब वो क्या था हमारे दौरान की बात थी क्लास तो ऑफलाइन होते थे कभी कभी बहुत महारथी टीचर आते थे कुछ भी बोलते थे और समझ तो भी नहीं आता था, था लेकिन हमें लगता था, था टीचर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे <laughs> फिर बाद में पढ़े लिखे तो समझ आया अरे <laughs> ये तो सर तो सरजी तो कचोरी बताते थे <laughs> कहानी तो अलग है हालांकि अभी भी ऑनलाइन में काफी टीचर्स होते हैं मिल जाते हैं ठीक है तो ये कहानी समझ आई चलिए बाकी जिनको समझ नहीं आ रहा हो डेप्थ में देखना है तो 4 घंटा भैया स्पेंड कर दीजिए टाइड पे यहीं पे इसी चैनल पे ओशनोग्राफी में टाइड्स मैंने बहुत अच्छे से समझाया है चार घंटा टाइम देके समझाया है वहां से पढ़िएगा है ना सब कुछ आपको समझ आ जाएगा चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटर में क्या हो रहा है मान लेते हैं एम फोर है एम फोर पोजिशन है सन यहाँ है अर्थ यहाँ है एम फोर है जाहिर सी बात है अब देखते हैं क्या इक्वेशन बन रहे हैं तो इस तरफ का पानी ये जो व्हाइट कलर में है इसको कौन खींच रहा है ग्रेविटी ऑफ सन अरे इसको कौन खींच रहा है ग्रेविटी ऑफ सन और इस तरफ के पानी को कौन खींच रहा है इस तरफ अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी ऑफ मून सही बात है सही बात है ये समझ आया आर के नहीं 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 टू और थ्री टाइम अगर रीड करना है ना तो यहां से मत कीजिएगा ओशनोग्राफी में जाइएगा मैंने पढ़ाया है टाइड्स चार घंटे में पढ़ाया है वो पढ़िएगा ठीक है तो यहां पे ग्रेविटी सन खींच रही है यहां पर ग्रेविटी मून खींच रही है बिल्कुल सही बात है अब आइए जरा सा आपको मैं ऐसे बताता हूं मान लेते हैं मून इस वक्त कहां पे है जीरो डिग्री पे है जीरो डिग्री पे है ठीक है कुछ इस प्रकार से जीरो डिग्री पे भैया अपना मून है तो यहां पर तो मून की ग्रेविटी से इसे खींच रहा है यानी यहां पे पानी जमा होना चाहेगा और सन अगर आप देखोगे तो कुछ 90 डिग्री के ठीक ऊपर है तो यहां पे सन कह रहा है नहीं पानी यहां जमेगा अब मून ज्यादा पास है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखें तो मून का ज्यादा प्रबल हो जाता है तो मून का नेट फोर्स क्या होगा वो कहेगा कि चलो जल्दी से जीरो डिग्री पे पानी जमो लेकिन सन क्या बोलेगा जो 90 डिग्री पे है बोलेगा मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं पानी को मैं तो पकड़ के रखूंगा तो मून खींचेगा लेकिन पहले की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर पाएगी मून का जीरो डिग्री पे कम खींच पाएगी ना कम खींच पाएगी ना क्योंकि सन इधर पे पानी को लॉक करके रखा है छोड़ ही नहीं रहा अपने फोर्स से बांध के रखा है थोड़ा सा ही छोड़ पाएगा तो थोड़ा सा ही पानी हाई टाइड आने के बावजूद भी आपको देखने मिलेगा डिग्री पे यानी कि जब क्वाड्रेचर का पोजीशन होगा तो यहां पे ग्रेविटी ऑफ सन कहेगा कि भैया पानी इधर आओ इधर कहेगा ग्रेविटी ऑफ मून कहेगा कि नहीं पानी तो इधर चलेगा तो इसीलिए सन इधर खींच लेगा तो पानी जितना जमा होना चाहिए था कुछ इस वाले लॉन्जिट्यूड पे उतना जमा नहीं हो पाएगा यानी जब भी क्वाड्रेचर का पोजिशन होगा टाइड कैसे होंगे लोअर देन नॉर्मल होंगे हाई टाइड भी क्या होगा पहले की तुलना में लोअर इंटेंसिटी होगी टाइड की सिंपल शब्दों में कहूं हाई टाइड क्या होगी ज्यादा हाई नहीं होगी नॉर्मल से लो टाइड क्या होगी ज्यादा लो नहीं होगी जो भी है वो कम इंटेंसिटी की होगी लो टाइड भी क्या हो जाएगी ज्यादा लो नहीं होगी पानी ज्यादा पीछे नहीं जाएगा पानी नॉर्मल पीछे थोड़ा पीछे ही जाएगा तो ये कब होता है क्वाडरेचर में तो इसीलिए आप लोगों ने सुना है अमावस और पूर्णिमा में समुद्र में टाइड्स बहुत ज्यादा आते हैं क्यों अमावस और पूर्णिमा में क्या होता है पोजिशन बनता है अमावस और पूर्णिमा में अगर इस प्रकार से है ये कौन सा पोजीशन था अपना M1 है अगर ऐसे M1 पोजीशन है तो सन की लाइट इतने भाग में पड़ रही है अर्थ के साइड हमको मून दिखेगा ही नहीं यानी क्या है अमावस है न्यू मून वैसे ही अगर M3 थ्री पोजिशन है सन की लाइट इतने भाग में पड़ रही है यानी क्या है पूर्णिमा है या फिर फुल मून है क्लियर और क्वाड्रेटर में क्या होगा हाई टाइड लो टाइड दोनों ही नॉर्मल से लोअर हो जाएंगे ठीक तो ये क्या करना है आपको याद रखना है क्लियर है इतनी कहानी सभी को बाकी देखिए जिनको समझ नहीं आया वो क्या करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं आप जाइएगा पेशनोग्राफी में मैंने पढ़ाया है कंप्लीट पढ़ लीजिएगा ठीक है तो स्प्रिंग टाइड जब पोजीशन बनता है तो कौन सा टाइड देखने मिलता है स्प्रिंग टाइड स्प्रिंग की तरह हाई और लो दोनों है ना क्वाडरेचर पोजीशन बनता है तो लोअर देन नॉर्मल इंटेंसिटी वाला टाइड है ना हाई टाइड आया तो ज्यादा हाई नहीं लो टाइड हुआ तो ज्यादा लो नहीं तो ये वाले टाइड को क्या कहते हैं नीप टाइड कहते हैं कहते हैं, ठीक है बाकी सब ठीक है आप लोग अब देख लीजिएगा चलिए सवाल करते हैं ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है चलिए तो सवाल शुरू करते हैं भाई सवाल शुरू करते हैं बाकी एस्टोग्राफी में डिटेल में मैंने पढ़ाया है टाइड्स, जिनको नहीं आता है अच्छे से पढ़िएगा दो तीन घंटे में पढ़ाया है लेकिन अच्छे से पढ़ाया है ना तसली से पढ़ाया है आपको एक एक चीज डेप्थ में समझ आएगी इससे ज़्यादा पढ़ाया है यहाँ पर समय मेरे पास कम था आधा ही घंटा था तो मैंने ऑलरेडी खींचतान के पैंतालीस मिनट पढ़ा दिया है चलिए पहला सवाल है पढ़िए जल्दी से बताइए क्या होगा आपके अनुसार जवाब क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं तो मैं ही आपको कहता हूँ कि आप ही लोग खुद से जवाब दे दीजिए पढ़िए लिखिए आपके पास एक मिनट में दे रहा हूँ जिसमें आपको सवाल पढ़ना भी है जवाब देना भी है चलिए

सी सी ए ए अरे ए बी सी सब बोल दोगे क्या अधूरा फील्ड जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं सी तो जवाब है सी सी बोथ वन एंड टू दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है ओशन ट्रेंचेस कब बनते हैं जब ओशन ओशन प्लेट टकराए है, है ना या फिर ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा है जैसे नास्का प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट बनता है तो पेरू चिली ट्रेंच बनता है कितना बड़ा सा वैसे ही जब ओशन ओशन प्लेट टकराता है तो मरियाना ट्रेंच आपको बनता हुआ दिखता है तो दोनों ही केस में आपको देखने मिलता है ट्रेंचेज टेक्टोनिक ऑरिजिन है बिल्कुल दूसरा अगर आप देखें तो ट्रेंचेज आप अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बाद आपको कई जगह पे लॉन्ग देखने मिलते हैं बिल्कुल जापान के पास देखो फिलीपींस के पास देखो हर जगह आपको देखने मिलता है तो दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो आंसर एज सी वन एंड टू ओनली चलिए अगला सवाल देखिए जरा बताइए क्या होगा जवाब आपके पास होंगे वापस से एक मिनट पहले के जैसे ए ए ए ए ए ए ठंड बहुत हो गई है वैसे अचानक से नक्की लेक जम गया है अखबार में फोटो आ गई है अहमदाबाद में ठंड गिरी हुई ठंड पड़ी या नहीं हुई तो एक ही यहाँ पे हमारे यहाँ पैमाना है थर्मामीटर यहाँ का है पास में है माउंट आबू तो नक्की लेक अगर जम गया तो ठंड हो गई नक्की लेक नहीं जमा यानी ठंड नहीं आई ठीक तो जैसा आप सभी कह रहे हैं आंसर क्या है ए है बिल्कुल सही बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन में देखने मिलते हैं इंडियन ओशन में बस छह ट्रेंचेस हैं पैसिफिक ओशन में थर्टी टू है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस पैसिफिक में है ना कि इंडियन में बाकी सही बात है एक्टिव वॉलकैनोज स्ट्रॉन्ग अर्थक्स सभी से जुड़ा हुआ है क्योंकि बेसिकली प्लेट सबडक्ट कर रहा है तभी तो, तो आपको ट्रेंचेस बनता हुआ दिखता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो स्टेटमेंट है और पढ़ लीजिए मतलब टाइम उतना है नहीं कि मैं पढ़ू फिर आपको समझ ना सवाल कम हो जाएंगे जैसा तो दिल्ली में भी बहुत ठंड हो गई है है नहीं मिस्टी सबसे ज्यादा पैसिफिक में है सबसे ज्यादा पैसिफिक में है क्या बनता है पैसिफिक में कुछ नाम याद है एक टर्म पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अब ज्वालामुखी फट रही है तो मजाक तो नहीं हो रहा होगा ना उसके पीछे की जियोलॉजी है याद है हमने पढ़ा है जियोमोरफोलॉजी में कैसे प्लेट सबडक्ट करता है फ्रेंचेस बनते हैं सबडक्ट करता है तो पिघलता है दूसरे साइड से ज्वालामुखी फटके निकलती है याद कीजिए सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है कनेक्टेड हैं क्या जवाब दे रहे हैं आप बी 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 सी 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 बी 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 हर प्रकार के जवाब आ गए जय हिंद निधि सत्यदेव क्या कह रहे हैं सी 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 अधूरा फील्ड ने कहा बी सी सी बहुत बढ़िया आंसर इज बी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी टकराने वाला प्लेट बाउंड्री टकराने वाले प्लेट बाउंड्री पे तो क्या होगा प्लेट टकराएगा टकराएगा तो गड्ढा बनेगा ना बाबा गड्ढे को क्या बोलते हैं ट्रेंचेस मिड औशनिक रिजेज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने मिलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जिसमें प्लेट्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं और इस प्रकार से लंबाई में आपको माउंटेन्स या मिड ओशनिक देखने मिलते हैं तो चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं बीच में डिप्रेशन सेपरेटेड होते हैं बिल्कुल सही बात है इस प्रकार के चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं ये बिल्कुल सही बात है बीच में डिप्रेशन होता है तो आंसर इज बी दैट इज टू ओनली क्लियर क्यों ऐसा गलती किया आप सभी ने इतने ज्यादा लोगों ने सी 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 ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी किसी भी हालत में चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं एक मिनट है आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए सर पांच सेकंड है अभी जवाब ही नहीं आया मिस्ट्री दिमाग लगा के क्या जवाब निकाले हैं ए ए सी ए ए ए, ए। क्या कह रही है पब्लिक अच्छा एक मिनट अच्छा हाँ 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 आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना सवाल ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेस कर रहे हैं सही बात है सही बात है ए ए, ए, ए। ए ए बहुत बढ़िया तो सभी को जवाब इज ए और जवाब है भी ए माउंटेन रेंजेस अगर आप देखें तो उनकी हाइट पीक हो सकती है ढाई किलोमीटर की सही बात है इसमें क्या है बिल्कुल हो सकता है कोई माउंटेन पीक मिड ओशन ग्रेज का सरफेस ऑफ ओशन तक नहीं पहुंच सकता ऐसा थोड़ी होता है आइसलैंड अगर आप देखोगे मिड ओशनिक मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है जो कि सरफेस के ऊपर है तो पानी के ऊपर भी हो सकता है तो स्टेटमेंट टू गलत हो जाता है सर बताएं नहीं आप कहाँ हैं मैं अहमदाबाद में रहता हूँ गुजरात गुजरात गुजरात, गुजरात अहमदाबाद अगर मैं अहमदाबाद के लहजे में बोलूं तो अहमदाबाद अहमदाबाद में मैं रहता हूँ ठीक है तो आइसलैंड है जो कि आप देखें तो मिड ओशनिक रिज ही है जो कि पानी के ऊपर है तो आंसर इज दैट इज वन ओनली चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव किस ओशन में लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन अटलांटिक ऑल ऑफ दूप <laughs> की नगरी <laughs> हमारे यहाँ ठंड इतनी बुरी नहीं हम तो एंजॉय कर रहे हैं सच कह रहा हूँ मैं ठंड ऐसी है नहीं मतलब ठंड है बट बहुत मिनिमम जाता है सुबह को तेरह डिग्री बारह डिग्री हम खुश हैं भैया बारह डिग्री तेरह डिग्री तो ठीक है ना हमारे यहाँ तो गर्मी ही परेशान करती है सर क्या आप रोज फाफड़ा जलेबी खाते हैं <laughs> नहीं यार वीकेंड वीकेंड पे, पे, अभी चौदह तारीख उत्तरायण है तो उस दिन खाऊंगा मैं। क्या जवाब दे रहे हैं सी 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 अटलांटिक, अटलांटिक अटलांटिक, अटलांटिक। बाकी क्या कहेंगे क्या जवाब है बी पैसिफिक पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक। इंडियन 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 कुछ कहा था मैंने आज क्लास में पढ़ाते टाइम चले ठीक है तो जवाब आ गया है तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम या लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम किसका है याद है ना सारे के सारे मिड ओशनिक रिज एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं और इंडियन ओशन का भी ऐसे ही मिल जाता है पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन सब मिलके एक सिंगल माउंटेन सिस्टम बनाते हैं जो 75000 किलोमीटर तक लंबा है तो किस ओशन में लार्जेस्ट माउंट लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है सब मिला के ऑल ऑफ दी किसी एक ओशन में तो है नहीं सभी कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चलिए अगला सवाल सी माउंट एक पढ़ लीजिए सी माउंट के ऊपर सवाल है जरा बताइए जो आपसे पूछा गया है तो, तो मैं हुआ समाप्त डी 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 बाकी ने कहा नो आइडिया नो आइडिया सर यहाँ हमारे यहाँ तो बोले गिर रहे हैं निधि का तो अलग ही है जवाब क्या है निधि आपका निधि कह रही है बी 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 चलिए आंसर इज डी निधर वन नॉट टू सी माउंट क्या है माउंटेन है जिसका पॉइंटेड समिट्स होता है सी फ्लोर से ऊपर तक राइज करता है बिल्कुल सही बात है सी माउंट्स अगर आप देखे वॉल्केनिक ऑरिजिन का होता है तीन से साढ़े चार किलोमीटर की हाइट का होता है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है तो आंसर यहाँ पे डी हो जाता है नीदर वन नॉर टू क्योंकि आपसे पूछा गया है इनमें से क्या इन करेक्ट है तो आंसर इज डी नीदर वन नॉर टू दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं ठीक है तो आगे के सवाल देखते हैं हम वहाँ पर हमारे मास्टर क्लास में साढ़े बजे आज उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप सभी तक क्लास पहुँचेगी एंड नाइंथ एनिवर्सरी सेल हम रन कर रहे हैं तेईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये में जिसमें आपको एक साल नहीं एक साल चार महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ये तब है जब आप यू कूपन कोड केंजल का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ मेरे फ्री कोर्सेज को आप सपोर्ट भी कर पा रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय बाय एंड मिलेंगे हम वापस कितने बजे साढ़े तीन पर हमारे ऐप पर तो मेक श्योर sure आप ज़रूर जुड़िएगा एंड आज कोई दिक्कत नहीं होगी ये मैं आश्वासन आपको दिलाता हूँ थैंक यू सो मच बाय बाय डू टेक केयर